मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 है ना, द सेंटेंस, उसका आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी गो टू स्टार्ट योर क्लास, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट योर स्कूल ऑफिस इज ओपन फॉर यू टू for registration, okay, from 10 a.m. to 1 p.m. So you must come here and register yourself for the new session, okay? Admission is going on. So this is an important message. So you have to come to the school office at 10 a.m. and you have to get yourself registered, okay, for the new session. चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। इसमें एक तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो जंबल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, ठीक है? इनको जंबल ऑर्डर में नहीं करना है, बल्कि इनको एक ग्रामेटिकल रूल के अनुसार इनको अरेंज करना है, ठीक है, ग्रामर के अनुसार, जिससे कि इनका एक प्रॉपर मीनिंग आए, ठीक है? और दूसरा आपको ये बताना है कि ये किस तरह के सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस, ओके? तो इसमें आपको किस प्रकार के सेंटेंस है वो बताना है, और इनको जंबल ऑर्डर से, जंबल ऑर्डर में है तो इनको हटा करके इनको प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें टू मुंबई ममता नेक्स्ट वीक विल गो। तो इसमें बताया जा रहा है कि ममता विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ठीक है? ये इसका सही ऑर्डर है, और इसे इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है? तो पंक्चुएशन मार्क्स भी इसमें बिल्कुल सही रखना है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये किस तरह का सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, मेक क्लोथ्स डू नॉट योर डर्टी, ओके? तो इसका मैंने जो सही आंसर लिखा है वो है डू नॉट मेक योर क्लोथ्स डर्टी, ओके स्टूडेंट्स? तो ये इसका सही ऑर्डर है, सही ग्रामेटिकल ऑर्डर है, और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ओके स्टूडेंट्स? और ये किस टाइप का सेंटेंस है वो देख लीजिए, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ओके स्टूडेंट्स? ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है यू आर हार्ड वर्किंग दीज डेज, ठीक है? तो एक तो इसका ये भी हो सकता है, और इसका एक और विकल्प भी हो सकता है, वो है यू आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, ठीक है? ये दोनों ही हो सकते हैं, यू आर हार्ड वर्किंग दीज डेज या फिर यू आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, और ये दोनों ही क्या कह रहा है, ये दोनों ही स्टेटमेंट कह रहा है, ओके स्टूडेंट्स? और नंबर फोर देख लेते हैं, शुड ऑल पीपल फ्रेश लिव इन एयर, ठीक है? आइए देखते हैं इसे आप कैसे समझाते हैं। ऑल पीपल शुड लिव इन फ्रेश एयर, ठीक है? तो ये इसका ग्रामेटिकल ऑर्डर है, इसका ये ग्रामेटिकल ऑर्डर है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक फुल स्टॉप देंगे, और ये किस काइंड का सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको चार क्वेश्चन के आंसर बता दिए, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो चार मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके लिए हिंट है कि आखिर बनाना कैसे है, और बाकी के छः क्वेश्चन आप खुद बनाइए घर पे, ठीक है? नहीं तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको सारा आंसर बताऊंगा, ओके स्टूडेंट्स? चलिए